नमस्कार भाई दोस्तों, तस्वीरें भी बोलती हैं और जब तस्वीरें बोलती हैं ना बड़े बड़े राज खोलती हैं वो तस्वीरें। तस्वीरें बोलती हैं, दो तस्वीरें जिन्होंने पंजाब और हरियाणा के अंदर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। नया विवाद खड़ा हो चुका है। पहली तस्वीर थी ये, जिसने पंजाब के अंदर पूरा विवाद खड़ा कर रखा है, अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरविंदर सिंह साहब की तस्वीर है ना ये। ज्ञानी साहब ने तो अभी तक कोई जवाब दिया नहीं। ये तस्वीर है जोरा गौ चड्ढा था उसकी सगाई हुई थी, वहाँ की तस्वीर है ये। वहाँ पर ये सब आ रहे हैं, फिल्मा वाले वीर सब आ रहे हैं। ये तो सबको पता भाई, फिल्म एक्ट्रेस से शादी कर रहा था वो तो आएंगे, फिल्मों वाले तो आएंगे आएंगे। लेकिन ज्ञानी हरप्रीत जी को भी वहाँ पर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? देखो सबकी अपनी निजी ज़िंदगी होती है, निजी ज़िंदगी में आदमी कोई कुछ भी कर सकता है, करता रहेगा, उसके ऊपर सवाल उठाना गलत है। लेकिन एक छोटा सा सवाल जो बनता था ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को वहाँ जाने से पहले, अगर आप बंदी सिंह गोगरी आएगा जो मोर्चा लग रहा है उसमें चले जाते ना तो ये इतना विवाद नहीं होता। और ये विवाद जो खड़ा हो रहा ना, इसने बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर अचंभित करती है, विशेष तौर के हरियाणा वालों को ना बहुत कुछ याद दिला दिया इस तस्वीर ने, खास करके हरियाणा वालों को। ये तस्वीर मतलब के ये तस्वीर है, इसने हरियाणा वालों को बहुत कुछ याद दिला दिया। यह है युद्धवीर सिंह किसान नेता, यह है यशपाल मलिक जिसने 2016 में हरियाणा को बहुत बड़े बड़े जख्म दिए थे, और यह अभी मध्य प्रदेश में जाट महाकुंभ हुआ था उसकी तस्वीर है। नहीं आना चाहिए था जहाँ तक हमारा अंदाजा है ना, तो युद्धवीर सिंह को इनके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए था, क्योंकि सबको पता था नया विवाद पैदा होगा और ये विवाद पैदा हो गया। ये MPM जो जाट महाकुंभ हुआ था, दोनों एक साथ हैं। और आपको बताते हैं ना, 2016 का जो मामला हुआ था हरियाणा के अंदर, ये दोनों ही थे समझौता करवाने वाले। जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था ना, जो इतने युवा मारे गए थे, ये दोनों ही थे। अब आप किसान आंदोलन देखोगे उसमें भी युद्धवीर सिंह शेरावत था, युद्धवीर सिंह था उसमें भी समझौता करवाने वाला, अगर आपको नहीं पता हो तो। उस समय पर भी हमने बोला था कि माई गलत हो रहा है, इस बंदे को अगर बीच में लेंगे ना तो बहुत नुकसान होगा, और हुआ वही नुकसान हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं हम। अब आती बात कि ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक भाजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बात हक और सच की करेंगे, बात वो करेंगे जो सच है और जो होना चाहिए वो करेंगे बात। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, आपके सामने अपने बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। इसमें कुछ भी गलत होता है तो आप बता देना। क्या ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को अकाल तख्त साहब के जत्थेदार हैं? आपको यह समझना चाहिए था कि आप अभी एक नॉर्मल इंसान नहीं है, आप अकाल तख्त साहब के जत्थेदार हैं। इसका मतलब तो आपने जो समझौता करवाया था, या जो अमृतपाल सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, आप बोल रहे थे गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, उसमें भी कुछ ना कुछ राज निकलेगा, फिर राज तो निकलेगा। जैसे 2016 में इतना कुछ लटवा पिटवा कर हरियाणा ने जब समझ में आया कि यशपाल मलिक हमारे को लूट ले गया, इस यशपाल मलिक को वापस फिर सेट किया जा रहा है हरियाणा के अंदर, वापस फिर सेट किया जा रहा है। तो जत्थेदार साहब अगर यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, आपने जवाब तो दिया नहीं। कुछ दिन पहले ट्विटर विवाद खड़ा हुआ था जत्थेदार हरप्रीत सिंह साहब का और भगवंत मान का, याद आया कि नहीं आया? उसमें भगवंत मान ने आपको बादलों का बोला था, पिट्ठू बोला था, बादलों का पिट्ठू बोला था, चमचा बोला था, और आप फिर वहाँ उनके MP की सगाई के उसमें सेरेमनी में जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, जब पंजाब और हरियाणा के साथ इतनी गहरी राजनीति की जा रही है ना, इस राजनीति की गहराई को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो ये लोग ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे, कहीं कहीं पर आंदोलन करते रहो, लाठियां खाते रहो, डंडे खाते रहो, जेल में जाते रहो, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये सत्ता का मजा ऐसे ही लेते रहेंगे। बहुत से साथी एक सवाल करते थे, फिर हम वोट किसको डालें, अगर BJP को नहीं डालनी, कांग्रेस को नहीं डालनी, आम आदमी पार्टी को नहीं डालनी, तो वोट किसे डालने, है ना? ये सवाल किया था एक भाई ने। तो भाई सुन ले ध्यान से, क्या सिर्फ पार्टियों से कोई नुमाइंदा होता ही नहीं क्या? या ये पार्टियां ही सब कुछ है? कांग्रेस BJP, BJP कांग्रेस, कांग्रेस BJP, नया भी आ गया आम आदमी पार्टी खड़ी होगी, ये भी तो नेशनल पार्टी होगी ना। अब ये नया विपक्ष बना दिया, कभी सोचे? आपको बहुत पहले बताया था कि ये बनाएंगे अपना घर का विपक्ष बनाएंगे। जब पक्ष घर का, विपक्ष घर का, सवाल कौन करेगा, फिर सवाल कौन करेगा बताओ? पंजाब में इतना कुछ हो गया, इतना मतलब कि आप पूछो मत, पंजाब को बिल्कुल गर्त में धकेल दिया, और फिर आप वही कर रहे हो, फिर आप उस रास्ते पर जा रहे हो। इससे अच्छा होता अगर ज्ञानी हरप्रीत जी, अगर आप है ना बंदी सिंह गोगरी आई का जो मोर्चा लगा हुआ था, जो निहंग सिंह मोर्चा लगा के बैठे हैं, अगर आप वहाँ पे जाते ना तो बड़ा अच्छा लगता, ना ही कौम से कोई आपसे सवाल करता। कौम को मतलब बर्बाद कर रहे हैं उन लोगों के पास, तो आपसे जा रहे हो फोटो खिंचवा रहे हो, तो सवाल तो उठते हैं, सवाल तो उठते हैं। उम्मीद करते हैं आप जवाब भी दोगे,
हालांकि एक दूसरी तरफ से देखा जाए तो अगर उन्होंने बुलाया है तो चला गया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विवाद पैदा करता है फोटो, फोटो विवाद पैदा करता है। अगर नहीं पता हो तो कुछ दिन पहले आप एक शादी में गए थे, कुछ दिन पहले वहां पर ये सुखबीर बादल और वहां पे जो कांग्रेस का वो था ना, आम आदमी पार्टी का जो शिक्षा मंत्री था, कौन सा मंत्री, उसके लड़के की शादी में वो आके उसने पैर भी छुए सुखबीर बादल के, गले भी मिले, वो वीडियो डिलीट करवा दिए गए पंजाब के अंदर से। पता है आपको, उन वीडियो को बिल्कुल हटवा दिया गया था पंजाब के अंदर से, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं और जब तस्वीरें बोलती है ना तो बहुत कुछ राज सामने आते हैं। ये सब रड़े मिले हैं, चाहे आप कांग्रेस देखो, बीजेपी देखो, आम आदमी पार्टी देखो, ऐसे रड़े मिले हैं ये कि इन्होंने है ना बिल्कुल ये कर रखा है। और तो कोई आना ही नहीं, और तो कोई आना ही नहीं, बीजेपी से टूट कर कांग्रेस में आ जाते, कांग्रेस के टूट कर बीजेपी में चले गए, कांग्रेस के टूट कर आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के कांग्रेस में आ गए। फिर बदलिया क्या हमने, क्या बदलिया हमने? चलिए आज फिर आपके पास वो सवाल छोड़ रहे हैं हम, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी, इससे अलग क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है क्या इससे अलग आपके पास? आप अपना ऑप्शन है ना कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके बताना ऑप्शन, क्या पार्टियों से अलग ऑप्शन नहीं होते क्या? होते हैं, लेकिन अगर विचार करोगे ना तब होते हैं, क्योंकि आप वहां तक विचार कर ही नहीं पाते। अगर कोई आपको समझाता है बताता है तब तो आप ये चुनाव से पहले बताता कि आम आदमी पार्टी को मत चुनना, नहीं तो ना पंजाब रोएगा, रोने के लिए समय नहीं मिलेगा ना। तो देख लो कितने मोर्चे लगाए गए, कितना कुछ किया गया, लाठी डंडे फिर भी मारे, हैंडीकैप लोगों तक को उठा उठा के जेलों में डाल दिया। भगवंत मान साहब कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, उनको पता है कुछ नहीं, ये लोग दो दिन में भूल जाते हैं, दो दिन में भूल जाते हैं। आज की न्यूज़ आई जो वो सौदा लगा दिया गया जिस औरत का, उसकी न्यूज़ तो आई नेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया तैयार बैठे सिखों को बदनाम करने के लिए और हरियाणा से जाटों को बदनाम करने के लिए। नेशनल मीडिया को थोड़ा सा भी मौका दे दिया ना तो वो बाल की खाल उतार देंगे वो, ये भी याद रखना। वो इंतजार में बैठे हैं, इंतजार में कि कब आप लोग एक मौका दे दो और कब वो अपना खेल शुरू कर देंगे, और वो खेल शुरू करेंगे, वो तैयार बैठे हुए हैं। फिर आप कहाँ जाओगे? एक तो इस गोदी मीडिया को देखना बंद करो, एक जो अपना जो भाई आवाज उठा रहा है कोई भी है, चाहे कोई पंजाब से उठा रहा है, हरियाणा से उठा रहा है, यूपी से उठा रहा है, उसका साथ देना सीखो, साथ देना सीखो। अभी 24 का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होने वाला, आप लोगों के लिए पहले बता दिया, आखिरी इलेक्शन है 2024 का इलेक्शन। अगर इसमें फिर धोखा खा गए ना, फिर आगे ना कोई बोलने वाला मिलेगा, ना कोई करने वाला मिलेगा, और फिर उलझ के खड़े हो जाओगे। रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अपना ना ऑप्शन पहले ही चुन लो, ऑप्शन बहुत हैं, ऑप्शन दुनिया भर के ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हम चुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम फिर वो पार्टियां नेता डंडे झंडे इन मलुज करे जाते हैं, इनसे बाहर निकलिए। इतनी तस्वीरें इतने वीडियो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना है दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी, जो सच्चाई है वो आपके सामने रखते रहेंगे। आगे विचार आप लोगों को करना है कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। जब तक इन पार्टियों से अलग नहीं निकलोगे ना, तब तक आपकी समझ में आएगा भी नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे शरबत का भला। शरबत का भला मांगने वाली कौम है ये, तो अपने भले के बारे में भी सोचिए। अब समय आ गया सोचने का, और आपको ना बताते रहेंगे। वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, आपके सामने तक बात पहुँचाने की जिम्मेवारी हमारी है।